नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 42। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 42 करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये एक सर्कल है जिसमें ये पॉइंट होता है और ये क्या होता है, डायामीटर, और यहां से यहां तक क्या होगा, रेडियस, और ये क्या होगा, कॉर्ड। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलिए, अब पहले हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखेंगे, अगर हमें डायमीटर निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू आर, आर मीन्स रेडियस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2R। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है, दूसरा वाला फॉर्मूला, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई आर। ठीक है, और ये हो गया हमारा। और अगर हमें रेडियस निकालना है और डायमीटर दिया है तो इसका एक और देखिए फॉर्मूला होता है, d/2। तो ऐसे करके हम लोग रेडियस जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये टेबल को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, जिसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, सबसे पहले वाले में रेडियस दी गई है, हमें डायमीटर और सर्कमफेरेंस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है उसको मैं लिखूंगी। क्या दिया है हमें, रेडियस दिया है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो है उसमें रेडियस कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है और सर्कमफेरेंस निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था अगर रेडियस कहाँ गया, अगर रेडियस दिया होगा तो डायमीटर आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, डायमीटर इज इक्वल टू 2R, आर मीन्स रेडियस, तो 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ये तो डायमीटर कितना आया, 14 सेंटीमीटर। तो इसमें भर देंगे हम लोग 14 सेंटीमीटर। वैसे ही सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या था, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो मैं बस सी लिखूंगी, 2 पाई आर। अब देखिए, 2 पाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 22/7। पाई का वैल्यू ना, पाई का दो वैल्यू होता है, एक तो 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आर कितना है, 7। यहाँ पे देखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सर्कमफेरेंस कितना आया, 44 सेंटीमीटर। ये देखिए हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब दूसरे की बारी है, दूसरे में देखिए क्या दिया है, डायमीटर दिया है, हमें रेडियस और सर्कमफेरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमें डायमीटर कितना दिया है, डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें रेडियस निकालना है। तो रेडियस मैंने आपको इधर फॉर्मूला बताया है, रेडियस इज इक्वल टू d/2, मीन्स डायमीटर/2। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू d/2, मीन्स 28/2। तो इसको हम काटेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, मीन्स 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हमारा कितना आया है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सॉरी, रेडियस कितना आया है, 14 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर कितना आया हमारा, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, 7 7 7 2 14। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 44 इंटू 2, फिर 2 4 8, 2 4 8 मीन्स 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। ये देखिए कितना आया हमारा, 88 सेंटीमीटर। तो मैं इसमें भर दूंगी 88 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे अभी थर्ड वाला करना है। अब थर्ड वाले में देखिए, सर्कमफेरेंस दिया हमें, डायमीटर और रेडियस निकालना है। ठीक है, तो ये जो दिया है थर्ड वाला करते हैं। तो थर्ड वाले में क्या दिया है, सर्कमफेरेंस कितना दिया है उसका, 616 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर और रेडियस निकालना है। सर्कमफेरेंस का पहले फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अब देखिए, 616 इधर लिखेंगे, पाई का वैल्यू हमें पता है, 22/7 इंटू आर।
अब देखिए ये जो है ये ऊपर आ जाएगा और ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो सिक्स यहाँ पे 7 और 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर। अब देखिए 22 से अगर हम इसका ये इसका इसको काटेंगे तो 22 वन या 22 और यहाँ पे 28 आएगा, ठीक है। अभी फिर इसको काटेंगे तो 20 यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 से वन जा कितना होता है 98, तो हमारा आर कितना आ गया, आर 98 सेंटीमीटर। तो मैं आर में कितना लिखूंगी, मीन्स रेडियस 98 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी डायमीटर हमें निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि डायमीटर क्या होता है, 2 आर, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 98, और तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 कह रहे हैं, 1 9 2 18 196 सेंटीमीटर। तो हमारा डायमीटर कितना है, डायमीटर में कितना लिखेंगे, 1098 सेंटीमीटर। अब फोर्थ वाला है, चलिए अभी फोर्थ वाला भी हम करते हैं। मैं यहाँ पे इसमें भी सर्कमफेरेंस दिया है, डायमीटर और रेडियस निकालना है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप खुद से करें, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं, इतना सब हमने किया, ये क्वेश्चन आप खुद से करिए। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं बताऊंगी। अभी बारी है, चलिए हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ओके, सो ये वाला मैं करती हूँ। अभी जो इन्फॉर्मेशन दिया है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कितना दिया है, 176 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका रेडियस। अब देखिए सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब C इज इक्वल टू 2 पाई आर, कितना है 176 एंड 2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। अब ये इधर और ये दोनों का क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 इंटू 22, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 22 1 जा 22 और 22 8 जा 176 होता है, ठीक है। अभी इससे कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 और 7 4 जा 28, कितना होगा 7 4 जा 28, तो यहाँ पे आ गया 28। ये हो गया हमारा रेडियस, तो हम इसको सीधा से लिख देते हैं, रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देखिए हमें क्वेश्चन में यही निकालना था, फाइंड इट्स रेडियस, तो हमने इसका रेडियस क्या किया, निकाल लिया। तो लास्ट में आप आंसर में लिख दीजिए, रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ रही है सेकेंड क्वेश्चन की, अब थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड वाला देखिए क्या दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 56 मीटर, वॉट वुड इट कॉस्ट टू पुट अ 4 राउंड फेंस अराउंड दिस गार्डन एट अ रेट ऑफ 40 रुपीज पर मीटर, ठीक है। तो इसको हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, क्या दिया है, हमारा रेडियस दिया है और हमें 4 राउंड का कितना पैसा होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले तो हम सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल निकालेंगे, ओके। सो लेट्स फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ गार्डन, ओके। चलिए अभी देखिए गार्डन का रेडियस कितना दिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन, चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन मैं इस पेज पे करती हूँ। क्या दिया है, रेडियस, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, गार्डन कैसा है, गोलाकार है, मीन्स सर्कुलर है, तो कितना है 56 मीटर, इसलिए इसका रेडियस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का 56, अभी इसको 7 7
7 8 जा 56 है ना, 7 8 जा 56। अब इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा सरकमफेरेंस 352 मीटर। ठीक है, अब देखिए 352 मीटर तो एक राउंड में, मतलब सरकमफेरेंस मीन्स क्या होता है, एक राउंड में। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर वन राउंड। वन राउंड के लिए कितना वायर का रिक्वायरमेंट है, 352 मीटर। तो फोर राउंड के लिए कितना होगा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर फोर राउंड, तो फोर राउंड के लिए कैसे हम लोग निकालेंगे, 4 × 352। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, कैरी आर 2, 4 × 3 = 12, 1। तो ये आ गया हमारा मीटर, 1408 मीटर। ठीक है, अब देखिए और अभी आगे का उसका हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट हम निकालेंगे, सॉरी यहां पे देखिए, नहीं नहीं सही है सही है। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। तो यहां पे निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ वायर, तो टोटल कॉस्ट ऑफ वायर क्या होगा, 1408 × कितने रुपीज, देखिए पर मीटर है 40 रुपीज ना, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ₹56,320। कितना आंसर आएगा, 56,320 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ वायर। हमें यही पूछा था ना कि कॉस्ट ऑफ वायर कितना होगा, तो हमने ये निकाल लिया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अब बारी है फोर्थ वाले क्वेश्चन की, चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, द व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट हैज अ डायमीटर ऑफ 1.4 मीटर, हाउ मेनी रोटेशन विल द व्हील कंप्लीट एज द कार्ट ट्रेवल 1.1 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए कोई एक बुलक कार्ट का क्या है, व्हील है जिसका डायमीटर कितना है, 1.4 मीटर। ठीक है, तो उसे कितने रोटेशन, मतलब कितनी बार घूमना पड़े, तो कितने रोटेशन उसको लगाने पड़ेंगे जब उसको 1.1 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो डायमीटर दिया उसको हम लिखते हैं, फिर सरकमफेरेंस निकालते हैं, और फिर बाद में जो पूछा है हम वो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो मैं यहाँ पे डायमीटर लिख लूंगी, डायमीटर कितना दिया है, 1.4 मीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, लेकिन एक और फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस का, क्या होता है, πd। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2r π, और 2r की जगह पे क्या मैंने लिखा, d। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो c इज इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 × डायमीटर इज इक्वल टू 1.4। अब देखिए ये कटेगा तो 7 × 2 = 14, तो आएगा 0.2। अब इसको करेंगे तो 4.4 हमारा आ जाएगा, ये क्या है हमारा सरकमफेरेंस है, 4.4 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, टोटल जब वो 1.1 किलोमीटर तक जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, वो हम इधर निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, ये है इसका फॉर्मूला, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 1.1
1.1 सबसे सबसे जरूरी बात ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है 1.1 किलोमीटर, क्या दिया है 1.1 किलोमीटर, और हमारा सर्कमफेरेंस किस में आया है, मीटर में आया है। तो ये देखिए कैसे होगा, ये 1.1 किलोमीटर और ये 4.4 मीटर। तो हम इसको क्या करेंगे 1.1 इंटू 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 4.4 मीटर। तो हमारा ये कितना मीटर आ जाएगा 1.1 इंटू 1000, ये हमारा आ जाएगा 1100 मीटर, ये भी और ये भी मीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250 मीटर। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने हैं 250 मीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको प्रैक्टिस एट 42 अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थैंक यू कि आपने इस वीडियो को देखा, और अगर आपको ये इससे थोड़ा भी फायदा मिला हो और ये आपको 42 अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप उसको आसानी से देख सकें। ओके, थैंक यू।